नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के स्वेलिंग के लिए, सूजन जिनके आ जाती है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें घरेलू उपाय है, आप घर पर ही कर सकते हैं इसको। जिनको शुरुआती समस्या है, जैसे शुरू ही हुआ है दिमाग में दर्द होना या नींद ना आना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना और सर के बीचों बीच में पेन होना, नसों में पेन होना, तो ये समस्या इसमें आती है। और स्वेलिंग जिनकी समस्या अभी शुरू हुई है उनके लिए इलाज है, और जिनको हो चुकी है, काफी समय हो चुका है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए या इससे ज्यादा, 2 साल 3 साल, तो उनको दवाई खानी पड़ेगी। वो आप दवाई मंगा सकते हैं हमारे से कोरियर के द्वारा, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी समस्या, नींद आना, दर्द होना, सब ठीक हो जाएगा। और ये 4 से 5 महीने का इसमें ट्रीटमेंट होता है। अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं घरेलू उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं। जैसे कि ये हाथ है, हथेली, इसमें आपको यहां से प्रेशर देके बीच वाली उंगली तक आपको लेके जाना है। ये आपको करना है सुबह, दोपहर, शाम, 24 से 25 बार आप इसको करें। और ऐसी जैसे पैरों के जो तलवे होते हैं, ये साइड आपको लेना है, ऐसे नहीं लेना, आपको ये साइड से आपको लेना है। और ये आप ऐसे, आप इसको, ये आप ऐसे इसको प्रेशर देके इसमें आप लगाइए। सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना होना चाहिए और आप जो है ये मालिश कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक, दोनों पैरों की, एक पैर की 10 से 15 मिनट। ये सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में सोते वक्त, एक तो इसमें आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी नसों को भी आराम मिलेगा, आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा, आपको ये करना चाहिए। और दूसरा मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं ऑयल आपको इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको दिमाग में स्वेलिंग रहता है शुरुआती समय में, आपको लेना है बादाम रोगन ऑयल। बादाम रोगन ऑयल को आप गर्म कीजिए, उसमें आप डालिए कम से कम 15 जो लहसुन होते हैं उसको आप छील लीजिए, उसकी पौड़ी आप डाल लीजिए, और कम से कम 100 ग्राम बादाम ऑयल होना चाहिए। और इसको आप पका लें, ब्लैक कर लें, जब ब्लैक हो जाए चाकू मार कर देखें, अंदर से पूरा लहसुन की जो कली है वो ब्लैक हो जानी चाहिए, और आंच से उतार लें। जब ब्लैक हो जाए, गुनगुना जब हो जाए, उसको आप एक शीशी में छान कर रख लें और लहसुन का पेस्ट बना लें, ड्रायल कर लें या सिलबट्टे पर पीस लें। जो तेल है उसको आपको हल्के हल्के हाथ से अंदर सर में मालिश करनी है, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। और जो पेस्ट है, पेस्ट को आप जो बना लेंगे उसको आपको डिब्बे में बंद करके रखना है। जब भी आप ऑयल इस्तेमाल करें वो गुनगुना ही होना चाहिए, और पेस्ट भी जब आप इस्तेमाल करें ये आपको बीचों बीच लगाना है और साइड में लगाना है, और हल्के हल्के हाथ से आपको ये हल्की, बहुत हल्की हाथ से मालिश करनी है। नसों को बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है, और इतना हल्का हाथ रखें कि नसें आपके हाथ लगाने से प्रभाव में, आपके हाथ की उंगलियों के प्रभाव में ना आए। और ये आप करने के बाद एक रेत लीजिए, रेत में जो है आप जो है एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको आप उसमें आप भर सकते हैं, एक मूठ बना सकते हैं। पहले रेत को आपको गर्म करना है, काफी गर्म कर लो, और उसको गर्म करने के बाद मूठ बना लो,
क्योंकि रेत एक बार गर्म होने के बाद बहुत देर में जाकर ठंडा होता है, काफी समय लगता है ठंडा होने में, और सर की जो है आपको सेक देनी है। ये आपको केवल रेत की ही सेक देनी है यहां पर, कोई और आपको कोई पानी की सेक कुछ नहीं देनी है, आपका जो रेत है यही इसमें काम करेगा जो आप मोठ बनाएंगे। और तीसरा इसमें आपको मैं एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो आप आराम से घर पर बना सकते हैं। आपको कम से कम 1.5 गिलास दूध लेना है और एक अखरोट लीजिए आप, अखरोट की जो गिरी होती है उसको एक टुकड़े डाल के आप, एक ही अखरोट डालना है, एक मतलब गिरी, एक अखरोट की गिरी ले लीजिए और उसको आप तो टुकड़े करके दूध में डाल लीजिए और उसको पकाइए कम से कम 15 से 20 मिनट। जब 15 से 20 मिनट पका लें तो उसको आप ढककर रख दें, ये रात्रि में करना है आपको, गर्मी है तो फ्रिज में रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉर्निंग में इसको आपको खाली पेट लेना है, गर्म कीजिए, गर्म करके आप आंच से उतार कर जब ये गुनगुना हो जाए तो इसमें 2 चम्मच आपको शहद डालना है और मिक्स करके आप इसको पी लें, 2 से 3 चम्मच भी आप शहद डाल सकते हैं। और ये आपको खाली पेट लेना है, खाली पेट लेने के बाद 1 घंटा तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। और जो ये आपकी जो प्रॉब्लम है स्वेलिंग की, दिमाग की, जिनकी शुरुआती समस्या है, ये बहुत ठीक हो जाएगी, बहुत ठीक हो जाएंगे, पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा, एक तरीके से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये दूध की जो मैंने आपको उपाय बताया घरेलू, ये आप कभी तक भी कर सकते हैं, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तलवों की, हाथ की जो मैंने आपको ये बताया है, ये मालिश आप करेंगे अंगूठे के द्वारा और ये ऐसे आपका, ये जो आप करेंगे तो इसमें आप कभी तक भी कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और तेल का जो मैंने आपको ये बताया है, जो आपको रेत की मोठ बना के आपको जो सेक देनी है, ये भी आप इसको कभी तक भी कर सकते हैं। पेस्ट भी आपको गर्म करके ही आपको हल्के हल्के हाथ से आपको मालिश करना है। और ये मालिश जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम होनी चाहिए। अगर किसी को थोड़ी ज्यादा समस्या है, दर्द की समस्या है, तो रात्रि में भी इसको आप कर सकते हैं और सेक लगाएं उसी रेत वाली मोठ की, तो आपको बहुत आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी आपकी और आपको इसमें जो दर्द है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और ये इसमें हम जो दवाई देते हैं, जिनको ज्यादा बड़ी समस्या है, जिनको काफी समय हो गया है, तो आप हमसे दवाई मंगा सकते हैं और ये 5 से 6 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है। जिनकी ज्यादा समस्या है, किसी का ज्यादा है तो 1 साल भी लग जाता है, जिनकी नसों की ब्लॉकेज होती है और स्वेलिंग आ गई है और समस्या बहुत बड़ी हुई है, तो 1 साल भी इसमें ट्रीटमेंट लिया जाता है, तभी इससे आप पूर्णता रूप से निकलेंगे इस प्रॉब्लम से और आपकी समस्या जो है ये ठीक हो जाएगी और आप पूर्ण जीवन, अपने जीवन में आपके दोबारा ये समस्या नहीं आएगी और आप स्वस्थ हो चुके होंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज, 100%।